Mr. President, please check your email. Mr. Smith, are you ready for it? Good luck. आज की डेट में दुनिया का हर कॉमन मैन एक अच्छी सी जॉब, डिसेंट सी इनकम और अपने परिवार के साथ अच्छा टाइम बिताना चाहता है। यही कल्चर वो अपनी नेक्स्ट जनरेशन को पास ऑन करना चाहता है। मॉडर्न टेक्नोलॉजी का मिसयूज़ करते हुए दुनिया के कुछ देश वॉर जोन में न्यूक्लियर वेपन की धमकी देते हैं। न्यूक्लियर वॉर हमारे आने वाली जनरेशन्स के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है, इसीलिए यूएसए की एक खुफिया एजेंसी ने इन सभी देशों की एक लिस्ट तैयार की जो न्यूक्लियर वेपन्स की धमकी देते हैं, और इस टास्क को पूरा करने के लिए उन्होंने मुझे भी अपनी टीम में शामिल किया। इस प्लान के लिए भी मैंने दोबारा मिस्टर शेट्टी को हायर किया। अमेरिकन स्पेस एजेंसी इन सभी देशों के सैटेलाइट्स को हैक करेंगी और मिस्टर शेट्टी इन देशों के मिसाइल्स के एक्टिवेशन कोड पर एक डीएक्टिवेट कोड सेट करेंगे। अब जो देश चाहकर न्यूक्लियर वेपन को एक्टिवेट कर ही नहीं सकते, क्योंकि हर एक एक्टिवेशन पर एक डीएक्टिवेट कोड सेट हो चुका है। ऐसा करने से दुनिया के देश फ्यूचर में लड़ना तो चाहे बंद नहीं करेंगे, लेकिन इस बार की होने वाली डिस्ट्रक्शन को रोक दिया। इस बात पे एक साधु संत की बात याद आ गई। एक बड़े से जंगल में आग लग गई। पास की झील में से एक चिड़िया अपनी चोंच में दो बूंद पानी लेकर उस जंगल की आग को बुझाने लगी। झील के पास बैठे एक छाने ने कहा कि तेरी इस दो बूंद से जंगल की आग क्या बुझेगी। चिड़िया ने जवाब दिया, ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन भगवान की डायरी में आग बुझाने वालों में नाम जरूर लिखवा दिया है। पहली बार इतने बड़े काम के मैंने कोई पैसे नहीं लिए। बचपन में कही पापा की बात आज भी मुझे याद है।
जिंदगी में अगर मौका मिले तो इंसानियत के लिए कुछ करके जाना। पापा की कही बात दिल में घर कर गई। Mr. President, please check your email. इस काम के बाद हो सकता है दुनिया की कुछ एजेंसीज मेरा पीछा करना चाहें, लेकिन मैं हमेशा दो कदम आगे रहता हूं। टीचर की कही बात आज भी मुझे याद है कि तो बड़ा के जरूर बड़ा काम करेगा। After all, I am the game changer.